फिल्में ऐसी बनाओ कि चार धर्म के लोग एक साथ मिलके तुम्हें गाली दें। स्टोरी तुम्हारी, पैसे तुम्हारे, तो गाली भी तुम्ही को खानी पड़ेगी। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, और ये वीडियो भी होने वाला है आदि पुरुष के ऊपर। मैंने सोचा था लास्ट वीडियो के बाद आदि पुरुष के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल जो इसके मनोज बवासीर जो इसके डायलॉग राइटर है, उनका एक के बाद एक ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है जिनको सुनने के बाद मन तो कर रहा है उस बंदे को बैठा के आराम से और उसे चप्पलों की माला पहना के और जूतों से पिटाई की जाए उसकी। एक से एक घटिया स्टेटमेंट दे रहा है ना वो। अभी उसका एक स्टेटमेंट आया है मनोज बवासीर का कि हनुमान जी जो है वो गॉड नहीं है, वो है सेवक। यार कोई मारो यार जाके उसको, अच्छे से चोपो, ठीक है 150 रुपए ले लेना, ठीक है मेरी तरफ से देना, कान के नीचे देख घुमा के। मतलब फिल्म चलाने के लिए पहले तो 600 करोड़ रुपए ये लोग टी सीरीज को चूना लगा के डकार गए, 150 करोड़ प्रभास लेके गया, बाकी 10-5 करोड़ करके ऐसे बाकी स्टार कास्ट को मिला, बाकी 400 करोड़ ये लोग खत्म। स्कैम जो हुआ है ना इस फिल्म को बनाने में, वो एक अलग लेवल का स्कैम है। इस पे एक अलग से फिल्म बनेगी ना तो आपको पूरा डिटेल में समझ आएगा कि आदि पुरुष कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्कैम हुआ, कैसे हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया एक से एक छपरी डायलॉग्स लिख के और फिल्मों में उसका यूज करके। और अभी बात ये आ रही है कि इसको चेंज कर दिया जाएगा। ओके, तुम्हारी औकात बाहर आ गई। जैसे ही वीकेंड्स पे फिल्म ने कलेक्शन किया, वीकडेज जैसे स्टार्ट हुआ, मंडे को हिंदी का कलेक्शन था 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, कहाँ वो 34-37 करोड़ रुपए था वीकेंड्स पे, लेकिन वीकडेज पे आते ही 8 करोड़। ये पावर होता है ऑडियंस का। ऑडियंस उठाना जानती है तो सर के बल पटकना भी जानती है, तो ऑडियंस से कभी पंगा नहीं लेने का। और तुम लोगों ने सोचा कि हम लोग रामायण के नाम पे ऑडियंस का सी काट देंगे, तो भैया ऑडियंस इतनी खराब नहीं है और पहले वाली बात नहीं है कि कुछ भी बना लोगे और ऑडियंस तक पहुंचेगी नहीं। अभी 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी हैसियत, पूरी की पूरी औकात जो है ना वो सभी के सामने आ जाती है। पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि ओम राउत को अब डायरेक्शन छोड़ देना चाहिए। उसको डायरेक्शन आता है नहीं, उसको नहीं डायरेक्शन आता है उसको, और डायरेक्टर बना फिरता है। और एक मैसेज प्रभास को, ठीक है प्रभास के लिए एक और मैसेज है कि उन्हें अपने तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्में करनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज की फिल्म करनी चाहिए। ये पैन इंडिया का टैग जो लगा के वो घूम रहे हैं ना, वो कुछ नहीं अब काम आने वाला है। और फालतू में वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं अपना, प्रोड्यूसर का, उनकी तो कमाई हो रही है लेकिन प्रोड्यूसर लोगों का वाट लग रहा है। तो उनको पैन इंडिया ये वर्ड से ही मुझे हमेशा से नफरत रही है, और मैंने पिछले वीडियोस में भी इस पे बोला है, तो ये पैन इंडिया वर्ड से ही मुझे नफरत हो गई है। अब प्रभास को अपने रीजनल लैंग्वेज की फिल्में ही करनी चाहिए। वैसे भी प्रभास का करियर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब उनके पास 2 फिल्में हैं लाइन में। एक है डायरेक्टर प्रशांत नील सर की फिल्म वही सालार, और दूसरी है प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट के तो मुझे लग रहा है वो भी फ्लॉप ही जाएगी, क्योंकि वो भी एक हाई लेवल की हाई स्केल फिल्म होने वाली है। लेकिन सालार से मुझे उम्मीद है, प्रशांत नील सर से मुझे उम्मीद है कि वो ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे और प्रभास का जो एक पोटेंशियल है उसको ढंग से यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या होगा नहीं होगा, हमें सालार का जो टीज़र है वो नेक्स्ट मंथ जुलाई फर्स्ट हाफ में आई थिंक देखने को मिलेगा, तो वेट करिए वो टीज़र का। और फिल्म जो है वो सितंबर में रिलीज़ होगी, तो बस यही है। और फिल्म का कलेक्शन भयानक ड्रॉप हुआ है, और फिल्म अब अपना बजट तो दूर, अपना हाफ अमाउंट भी निकालते हुए नहीं दिख रही है। 300 करोड़ से पहले ही फिल्म का पैकअप। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।